अगर आजादी के समय नेताजी जीवित होते तो देश के टुकड़े नहीं होते, वो देश का बंटवारा स्वीकार नहीं करते। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि मैं सिर्फ एक नेता को स्वीकार कर सकता हूं और वह सुभाष चंद्र बोस है। 17 जून 2023 को एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यह बयान दिया था। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुभाष चंद्र बोस को अखंड भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस कहते हैं, अगर आजादी के समय नेताजी होते तो वे ही भारत के प्रधानमंत्री होते। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना केवल नेताजी पर ही भरोसा करते थे। जिन्ना को नेताजी पीएम के रूप में स्वीकार्य थे। अगर नेताजी होते तो भारत का बंटवारा भी नहीं होता। हमारी स्पेशल सीरीज पीएम इन वेटिंग में उन नेताओं के किस्से जो भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। पहले एपिसोड में सुभाष चंद्र बोस की कहानी। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। सुभाष के पिता जानकीनाथ बोस नामी वकील थे। उनका शुरुआती जीवन ओडिशा के कटक में बीता। उनके 9 भाई बहन थे। सुभाष शुरुआती दिनों से ही मेधावी छात्र थे, इसलिए कटक से कलकत्ता आकर मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस के पोते और इतिहासकार प्रोफेसर सुगत बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टीज अपोनेंट सुभाष चंद्र बोस एंड इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर में उनके कॉलेज के दिनों का एक किस्सा लिखते हैं। 10 जनवरी 1916 की बात है। कुछ क्लासमेट उनके पास आए और बताया कि इतिहास के प्रोफेसर एडवर्ड फार्लेओटेन ने कुछ स्टूडेंट्स से हाथापाई की है। सुभाष उस समय अपनी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे। सुगत बोस लिखते हैं, प्रोफेसर ओटेन का पिछला रिकॉर्ड भारतीयों की निंदा और आलोचना करने वाला था। सुभाष ये मामला प्रिंसिपल हेनरी के सामने लेकर गए। सुभाष चाहते थे कि प्रोफेसर ओटेन स्टूडेंट से माफी मांग लें। प्रोफेसर ओटेन भी अड़े थे। सुभाष ने छात्रों को साथ लेकर हड़ताल शुरू कर दी। नाराज प्रिंसिपल ने हड़ताली स्टूडेंट्स पर 5 रुपए का जुर्माना लगा दिया। बड़ी मुश्किल से मामला ठंडा पड़ा। सुगत बोस लिखते हैं, करीब महीने भर बाद 15 फरवरी को प्रोफेसर ओटेन ने कुछ स्टूडेंट्स से फिर बदतमीजी की। अपमान का बदला लेने के लिए कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज की सीढ़ियों से उतर रहे प्रोफेसर ओटेन को पीट कर भाग गए। मामले की जांच हुई तो सुभाष को मुख्य अभियुक्त माना गया। चश्मदीद चपरासी ने सुभाष की पहचान भी कर ली। इसके बाद प्रिंसिपल ने उन्हें कॉलेज से बर्खास्त कर दिया। बाद में परिजनों ने जब नेताजी से पूछा कि क्या आपने प्रोफेसर को पीटा था, तो कुछ कहने के बजाय वो सिर्फ मुस्कुरा दिए। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय में 2रा स्थान प्राप्त किया। सुभाष चंद्र बोस बाद में लंदन चले गए। यहां आईसीएस की परीक्षा में उन्हें मेरिट लिस्ट में 4था स्थान मिला। बोस जब इंग्लैंड से पढ़ाई करके भारत लौटे तो 25 साल के हो चुके थे। बोस आजादी के आंदोलन में कूद गए। वो उस समय चितरंजन दास के साथ काम कर रहे थे। मशहूर इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स में लिखते हैं, 1927 आते आते नेहरू और बोस दोनों के पैर राजनीति में जम चुके थे और दोनों ब्रिटिश भारतीय जेलों में अपनी पहली सजा काट आए थे। दोनों ने गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बोस गांधी के असर में पूरी तरह से नहीं आए थे। श्री जानकी रमन कॉलेज जबलपुर में इतिहास के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद राणा बताते हैं कि गांधी जी के चलाए असहयोग और सविनय आंदोलन से कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को नए विचार से आगे बढ़ाकर अंग्रेजों से आजादी लेना चाहते थे। गांधी जी भांप गए थे कि सुभाष सशस्त्र क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। गांधी 1934 में कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी आज चुके थे, लेकिन उनकी मर्जी से ही सारे फैसले लिए जाते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा वे ही तय करते थे। 1936 में लखनऊ में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। उन्हें अध्यक्ष बनाने का विचार गांधी का था। नेहरू के अध्यक्ष बनने पर विरोध के हल्के स्वर भी उठने लगे थे। दिसंबर 1936 में नेहरू को दोबारा पार्टी अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव आया तो सरदार पटेल ने खुलकर विरोध किया। पटेल ने नेहरू के अध्यक्ष बनने पर पार्टी तक छोड़ने की बात कह दी। इसके बाद 1937 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस का नाम सुझाया। 23 जनवरी 1938 को अपने 41वें जन्मदिन पर नेताजी विदेश से लौटे थे। लौटते ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने की तैयारी शुरू कर दी।
सबसे पहले नेताजी ने अपना अध्यक्षीय भाषण तैयार किया। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। मनमुटाव की शुरुआत बंगाल से हुई। दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। पहले गांधी सहमत थे, बाद में बदल गए। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का फिर चुनाव होना था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारका प्रसाद मिश्र अपनी किताब लिविंग एन एरा में जेबी कृपलानी के हवाले से लिखते हैं कि सुभाष बाबू दूसरी बार अध्यक्ष होना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने साफ कह दिया था कि वे सहायक नहीं होंगे। गुजरात के बारडोली में हुई बैठक में नए अध्यक्ष के नाम पर विचार किया गया। सुभाष उसमें नहीं शामिल हुए। गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष बने। उनके निवेदन के बावजूद नेहरू, पटेल और अबुल कलाम ने चुनाव से मना कर दिया। आखिरकार आंध्र प्रदेश के पट्टाभी सीतारमैया गांधी के कहने पर चुनाव को तैयार हो गए। अब चुनावी मैदान में सुभाष बाबू और सीतारमैया थे। 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस को 1580 और पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले। नेताजी 203 वोटों से जीत गए। द्वारका प्रसाद मिश्र अपनी किताब लिविंग एन एरा में लिखते हैं, सुभाष बाबू ने मुझे फोन करके समर्थन मांगा था। मैंने कहा कि माफ कीजिएगा, मैं गांधी जी के खिलाफ नहीं जा पाऊंगा। बाद में पता चला कि मध्य भारत के ज्यादातर वोट सुभाष बाबू को मिले थे, यानी सुभाष ने पॉपुलैरिटी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी हरा दिया था। सम्मेलन 52वां था, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वागत के लिए 52 हाथियों को तैयार करके जुलूस के रूप में जबलपुर से त्रिपुरी ले जाने की योजना थी। 5 मार्च को नेताजी जबलपुर पहुंचे। दुर्भाग्य से नेताजी बीमार थे, उन्हें 105 डिग्री बुखार था, वे हाथी पर सवार नहीं हो सके। अलबत्ता स्ट्रेचर पर लेटकर जबलपुर पहुंचे थे। बाद में उन हाथियों पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर रखकर 15 किलोमीटर जुलूस निकाला गया। अगले दिन नेहरू भी इस सम्मेलन में पहुंचे थे। 10 मार्च 1939 को त्रिपुरी अधिवेशन को अध्यक्ष के तौर पर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित करना शुरू किया। इसे सुनने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। जिसे जहां जगह मिली वो वहीं सेठ हो गया था। नर्मदा नदी के घाटों पर भी जगह नहीं मिल रही थी। सुभाष बाबू डॉक्टरों से घिरे हुए थे और कुर्सी पर बैठकर बैठक में शामिल हुए। त्रिपुरी में गांधीवादियों के सामने समस्या ये थी कि दुनिया को कैसे समझाएं कि भले ही सुभाष बाबू जीत गए हों, लेकिन आज भी महात्मा गांधी ही कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं। नेताजी ने मंच से अंग्रेजों को 6 महीने का अल्टीमेटम दिया कि वो भारत छोड़ देते। सुभाष ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, यही सही समय है कि अंग्रेजों से आर पार की बात की जाए। सुभाष बाबू के इतना कहते ही विवाद की स्थिति बन गई। नेहरू और कांग्रेस के दूसरे प्रतिनिधियों ने नेताजी से कहा कि ये आप क्या बोल रहे हैं, क्या आपने ये बोलने से पहले गांधी जी से बात की? अगर नहीं की तो इस पर गांधी जी से बात करना चाहिए। इस पर नेताजी ने कहा, मैं चुनाव जीता हूं, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मुझे बोलने और निर्णय लेने का अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए। कलकत्ता में अप्रैल के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस कार्यकारिणी ने नेताजी के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शालीनता से नेताजी ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपना रास्ता बदल लिया। नेताजी ने 5 दिन बाद 3 मई 1939 को अपने राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 7 सितंबर 1940 शाम 4 बजे का वक्त, हिटलर के 965 जर्मन विमानों ने लंदन पर बम बरसाने शुरू कर दिए। इधर कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में सुभाष चंद्र बोस कैद थे। उन्हें 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 29 नवंबर को बोस ने जेल में भूख हड़ताल शुरू की। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बंगाल के गवर्नर जॉन हर्बर्ट को लगा कि अब सुभाष को उनके घर भेज देना चाहिए, जब ठीक हो जाएं तो फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ताकि उन पर यह आरोप न लगे कि अंग्रेज सरकार की हिरासत में सुभाष की मौत हो गई। 5 दिसंबर को हर्बर्ट ने बोस को उनके घर भेज दिया। पता कलकत्ता का एल्गिन रोड, मकान नंबर 88-2, जहां 14 जासूस दिन रात निगरानी कर रहे थे। उसी दिन दोपहर में सुभाष ने अपने भतीजे शिशिर को बुलाया। उन्होंने शिशिर से पूछा, मेरे लिए एक काम करोगे? शिशिर सुभाष का इरादा भांप गए कि वे जेल से भागना चाहते हैं। इसके बाद नई रणनीति बनी। शिशिर बाजार गए और कुछ विजिटिंग कार्ड्स छपवाए।
उन कार्ड्स पर लिखा, मोहम्मद जियाउद्दीन, BA LLB, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थायी पता सिविल लाइंस, जबलपुर। शिशिर ने अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में इस बात का जिक्र किया है। करीब 1.5 महीने बाद, तारीख 16-17 जनवरी 1941, वक्त रात के करीब 1:30 बजे, सुभाष ने मुस्लिम का रूप धरा और अपने भतीजे के साथ एक जर्मन वंडरर कार में सवार हो गए। अगले दिन सुबह दोनों वहां से करीब 275 किमी दूर धनबाद पहुंचे। दिन भर यहां छुपे रहे और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही शाम ढली, सुभाष गोमो के लिए निकल पड़े। घंटे भर में गोमो पहुंच गए। इसके बाद यहां से उन्होंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। वहां से वे पेशावर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक गूंगे बहरे पठान का रूप धर लिया, क्योंकि वे वहां की स्थानीय भाषा पश्तो नहीं जानते थे। इसके बाद पेशावर से 31 जनवरी 1931 की सुबह वे काबुल पहुंचे। यहां जर्मनी और इटली के दूतावास के जरिए समरकंद होते हुए नेताजी पहले मॉस्को और फिर जर्मनी पहुंचे। 28 मई 1942 को नेताजी ने जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से आजादी की लड़ाई में सहयोग मांगा। सुगत बोस लिखते हैं कि हिटलर ने नेताजी को सुझाव दिया कि उन्हें जापान जाना चाहिए। इसके लिए हिटलर ने जर्मन पनडुब्बी U-180 का भी इंतजाम करवाया। हिटलर ने खुद नेताजी के जापान जाने का रूट मैप भी तैयार किया। हिटलर के प्लान के अनुसार यात्रा 6 सप्ताह में पूरी होनी थी, लेकिन नेताजी 3 महीने बाद जापान पहुंचे। उन्हें पहले जर्मन पनडुब्बी से पूर्वी अफ्रीका के करीब मेडागास्कर के समुद्र तक लाया गया। वहां बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से उन्हें जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफर किया गया। नेताजी जापान पहुंचे और वहां से हवाई जहाज से सिंगापुर पहुंचे। वहां आजाद हिंद फौज बनाने वाले रास बिहारी बोस नेताजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। नेताजी आजाद हिंद फौज के कमांडर बन गए। सुगत बोस लिखते हैं कि अगले दिन 5 जुलाई को 10:30 बजे वर्दी में परेड हुई। उस समय आजाद हिंद फौज के 12,000 सैनिक मौजूद थे। नेताजी भी सैन्य वर्दी में थे। नेताजी ने कहा, आजाद हिंद फौज ने युद्ध की घोषणा कर दी है गुलाम लोगों के लिए, चलो दिल्ली। सैनिकों, मैं सुख दुख धूप छांव हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें भूख प्यास, अभाव और मौत के अलावा कुछ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप मेरा अनुसरण करेंगे तो मैं आपको आजादी और जीत की ओर ले जाऊंगा। नेताजी रिसर्च ब्यूरो की दी ऑनरेकल मैगजीन के जनवरी 2022 के अंक में नेताजी के बारे में लिखा है कि कैसे उन्होंने सेना में जातिवाद और धर्म की दीवार को ढा दिया था। नेताजी चाहते थे कि आजाद हिंद फौज में हिंदू, मुस्लिम और सिख सैनिक अलग अलग मेस में नहीं, एक साथ खाना खाएं। बोस ने सैनिकों से कहा कि यदि एकता के नाम आपने धर्म का सहारा लिया तो हम वापस बांट दिए जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद नेताजी ने दुनिया के विभिन्न देशों से आजाद हिंद फौज के लिए कर्ज लिया ताकि आजादी की लड़ाई लड़ी जा सके। उन्होंने कर्ज लेते वक्त जापान सहित कई देशों से वादा किया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो वो सारा कर्ज चुका देंगे। लोगों में आजादी का दीप जलाने के लिए नेताजी ने फॉरवर्ड नाम से मैगजीन शुरू की, आजाद हिंद रेडियो शुरू किया। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 23 मार्च 1942 को दक्षिणी अंडमान में जापानी सेना उतरी। 3 से 4 घंटों में इस क्षेत्र पर पूरा कब्जा कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान से साझेदारी की। 29 दिसंबर 1943 को जापान ने यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया। 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर की हवाई पट्टी पर जापानी सेना का एक विमान उतरा। विमान से आजाद हिंद सरकार के राष्ट्र प्रमुख और प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, सेक्रेटरी विद मिनिस्टर रैंक आनंद मोहन सहाय, ADC कैप्टन रावत और बोस के डॉक्टर कर्नल DS राजू उतरते हैं। अगले दिन 30 दिसंबर को बोस ने पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह पहली बार था जब अंग्रेजों से छीनी हुई भारत भूमि पर किसी भारतीय ने प्रधानमंत्री के रूप में झंडा फहराया। बात 18 अगस्त 1945 की है। जापान दूसरा विश्व युद्ध हार चुका था। अंग्रेजी हुकूमत नेताजी के पीछे पड़ी थी। इसे देखते हुए उन्होंने रूस से मदद मांगने का मन बनाया। 18 अगस्त 1945 को उन्होंने मंचूरिया की तरफ उड़ान भरी। 5 दिन बाद 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि एक KIA-T1 बॉम्बर प्लेन ताई होकू एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। इसमें सवार सुभाष चंद्र बोस बुरी तरह जल गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।
सुभाष चंद्र बोस के निधन पर दुनिया भर की 10 से ज्यादा कमेटियों ने जांच की है। आजाद भारत की सरकार ने 3 बार इस घटना की जांच के आदेश दिए। पहले दोनों बार प्लेन क्रैश को हादसे का कारण बताया गया। तीसरी जांच में कहा गया कि 1945 में कोई प्लेन क्रैश की घटना ही नहीं हुई। पीएम इन वेटिंग सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानिए एक ऐसे नेता की कहानी जिसे चुनना चाहती थी 80% कांग्रेस कमेटियां, लेकिन गांधी जी ने अड़ंगा लगा दिया।